देखो आप गोवा में घूम रहे हैं, स्कूटी रेंट किया, तो एक एडवाइस आपको देता हूँ, हमेशा अपने स्कूटी पार्किंग में खड़ी करें। पार्किंग का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 20 रुपीज़ फॉर अनलिमिटेड आवर्स, क्योंकि यहाँ आवर का सिर्फ नहीं, पर अपने दिल्ली में पर घंटे के हिसाब से होता है, तो पार्किंग थोड़ी महंगी पड़ती है, पर यहाँ पे सस्ता है। ये टिप नोट कर लो, लोग बोलेंगे कि हाँ खड़ी कर दो, फ्री पार्किंग है। खतरा ये होता है, देखो स्कूटी होती है अपनी भाड़े की, रेंट वाली, और जब भाड़े की होती है कुछ हो जाए गलती से तो भाई पंगा आ जाएगा। इसके साथ आपका चैनल में स्वागत है, वसुदेव व्यास कैसे, और आप लोग बैक बैठे चैनल में आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपको अपना देख। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं चौपारा फोर्ट, ये दिन की पहली शुरुआत है, और शुरुआत हम कब कर रहे हैं, 5 बजे, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई कल कसिनो गया था, वहाँ जीता फिर वापस आया और सो गए, और अभी हम लोग उठे और अभी जा रहे फोर्ट, चलो देखते हैं। तो मैं भी सोच रहा है कि ये ले लूँ, जब कभी लड़ाई हो किसी से उसका वो फर्क ही होगा, और ये भी काम है वैदा में नहीं करूँ। ये है चौपाड़ा फोर्ट, चौपाड़ा आई थिंक नेम में कन्फ्यूजन है, पर यही है चौपाड़ा फोर्ट। हम लोग पहुँच गए, 10 मिनट्स का वॉक होगा पार्किंग से, हल्की सी हाइक है, और बागा से अप्रोक्सीमेटली आपको 25-30 मिनट्स लग जाएगा स्कूटी में इजीली। चौपाड़ा फोर्ट एक और नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, दिल चाहता है फोर्ट। 2001 में जो फिल्म की शूटिंग हुई थी दिल चाहता, वो इसी फोर्ट में हुआ था, जो काफ़ी ब्लॉकबस्टर भी रहा था। और एक और चीज़ अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ, ये बना था 77 में, और इस पर काफ़ी लोगों ने रूल किया, राज किया, बट मेजरली अगर मैं देखा जाए तो दो जनों ने सबसे ज़्यादा रूल किया, एक था मराठा, दूसरा था पोर्तुगीज, और अलग अलग टाइम में अलग अलग थे, पर इन दोनों ने मेजर कंट्रोल किया था इस फोर्ट पर। चौपाड़ा फोर्ट काफ़ी हाईलाइटेड प्लेस है, स्पेशली टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गोवा के, नॉर्थ गोवा में। एक्चुअली इस रिवर जब फोर्ट का जो नाम है चौपाड़ा रिवर पे पड़ता है, तो इसका नाम भी चौपाड़ा फोर्ट रख दिया गया था, एकदम इसके साइड में ही है ये जो फोर्ट है। अब मैं इसके हाईलाइट बताऊँ तो देखो, यहाँ से जो सबसे मेन डिलीशियस चीज़, मतलब डिलीशियस तो क्या, जो सबसे ज़्यादा मतलब यू नो आई कैंडी और जो आई से कैच करने वाली चीज़ें, वो होती है अपनी सनसेट्स। इवनिंग के टाइम बेस्ट टाइम है यहाँ पे विजिट करने का, वहाँ से आप मतलब ब्रेथ टेकिंग सनसेट इन्जॉय कर सकते हो, जैसे कि फिलहाल हम लोग भी यहाँ से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 5:30 बज गया है, 6 बजे सनसेट होगा, सूरज पे डूबता हुआ देखेंगे। यार जो भी शॉट है, जैसा भी आया, मस्ती आया यार, तुम्हें अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, कि यार एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतना रिस्क लेके और इतनी सारी जगह पे एक्सप्लोर करना, इतना सारा वेट लेके चढ़ना, तुम्हारा देव भाई तुम्हारे लिए कर रहा है, एक लाइक नहीं बनता। और पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कौन सा शॉट बढ़िया था। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सनसेट ऑफ माई लाइफ, जैसे फेमस था कि भाई यहाँ से टोटली डिफरेंट सनसेट आपको दिखेगा यार, सही में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने बताया आपको उसी के बारे में, पढ़ा आर्टिकल रीड करे, लोग बोल रहे थे बट अपने को ठीक है सनसेट होगा, बट अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ नेकेड साइड से। मैं आप 2-4 शॉट दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसको देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। ये जो सनसेट था, ये 2019 का लास्ट सनसेट था, अब कल से होगा 2020, कल की सुबह 2020 के नाम ब्रो, 2019 का सनसेट डूब गया, और इससे सुंदर सनसेट कभी हो ही नहीं सकता। इस साल के स्टार्टिंग में सनसेट होते हुए मैंने एक पहाड़ के कोने में बैठ के देखा था, जहाँ पे कड़ाके की ठंड थी, और एंड आते आते मैं एक बीच के किनारे इंडियन ओशन के साइड में बैठते हुए इस सनसेट को एंजॉय कर रहा, ये लाइफ है, ये लाइफ की ब्यूटी है। और 2019 का सनसेट बहुत ही सुंदर रहा, बेस्ट था। आई होप कल का जो सुबह लिख रहे इसके साथ भी 2020 की जर्नी और ज़्यादा बेटर रहे, और ज़्यादा एक्साइटमेंट, और ज़्यादा एडवेंचरस भरी रहे। मैं ये विश करता हूँ और जगह, नई जगह घूमूँ, नई जगह एक्सप्लोर करूँ, नए दोस्त बनाऊँ आप लोगों की तरह, नई नई अपॉर्चुनिटी आए। सेम विश मैं आप लोगों के लिए भी करता हूँ कि 2020 आपके लिए और ज़्यादा हैपनिंग रहे, और ज़्यादा तरीके से रहे। बट फिलहाल अभी आप इंजॉय कर रहे हैं, एक एक पल्ला मतलब
फील हो रहा है, उस चीज़ को एकदम अंदर महसूस हो रहा है। बस चाहता हूँ ये जो पल है ना ये ख़त्म ना हो, ये जो सनसेट है ये ऐसे पॉज हो जाए इस कलर पे, इस पोजीशन पे, इस वेदर के साथ, ये फीलिंग के साथ पॉज हो जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो वर्ड है ना यार ये कम पड़ रहे हैं, मतलब इधर देख रहा हूँ तो उधर मिस हो रहा है, इधर देख रहा हूँ तो इधर, इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीछे सनसेट मिस हो रहा है। कोई बात नहीं, बट अनलिमिटेड यार ऑसम जगह है। गोवा में एक चीज़ मस्ट ट्राई करने वाली चीज़ है वो है नारियल पानी। नारियल पानी वायदे यहाँ पे पेड़ बहुत है, पेड़ों ने क्यों इतना महंगा है 40 रुपये अपने दिल्ली में, 50 है वहाँ पे, थोड़ा सस्ता होना चाहिए 20-30 जितना भी हो सकता है। हाँ ब्रो दिल्ली में 40 है सर, पकड़ पकड़ नारियल पानी ए ताई सर से पैसा लो। ठीक है अच्छा कलर देखो। हाँ अभी आपका 2 हुआ है भैया, एक भैया के हाथ में, एक मेरे हाथ में। हाँ भैया तेरे कितने रहते लग गए? मेरे पास एक था, टोटल एक एक के हाथ में 4 होने। 40 का लेना ब्रो, कितना? 3-3 हो जाएगा ना। रेडियो के टाइम रेडियो एक्टिव स्पाइडर नहीं, रेडियो एक्टिव बैंड ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको पड़ेगा आई थिंक 20 रुपीज़ के, लोग 3 दे रहे हैं तो बार्गेनिंग करना मत बोलना। आई लक कूल रहा, 31st नाइस्ट है तो ये चीज़ तो बनती है। भाई लोग गोवा है और गोवा की रंग में नहीं रंगे ये हम लोगों ने गले में हाथ में हर जगह पहले न्यू ईयर की तैयारी करें, कह रहे भाई हर कोई ऐसे ही बन के आएगा, कोई बने ना बने हमें जरूर डिनर काटो बुला दे। अच्छा लग रहा है, यूनिक स्टाइल है, आई एंजॉय। यहाँ पे एक्चुअली पूरा बागा बीच ही पब बन चुका है, हर कोई यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। कल जो यहाँ पे खरीदार देख मैं आसपास देख सकते हो सब न्यू ईयर के झूम में झूम रहे हैं, जबरदस्त हो रखा है अभी। तो अभी मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब क्राउड आ रखा है, अच्छा खच भरा हुआ, इवन लोगों का घूम नहीं है वो बीच में आकर रुके हुए सोने के लिए। तो अगर आप सोचते हो न्यू ईयर पे आना है तो पहले से बुकिंग करा के आना, वरना एक भी रूम नहीं मिलेगा। सो फिलहाल अभी देखो पूरा का पूरा बागे ही अभी क्लब बन रखा है और यहाँ पे धांसू पार्टी चल रही है, गजब हर जगह शोर बंद है। अभी शोर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी पुलिस का कुछ पक्का चल रहा है तो 1 घंटे के लिए बंद रखा है। 10 बज गया और उन्होंने 1 घंटे तक चला सकते हैं। तो ये ले आया अपना चेयर, ये सवा जरूर यहीं रख, देखो यहाँ पे जो पब की एंट्री स्टार्ट हो जाती है 500-300 से स्टार्ट हो जाती है, आपको 5,000-6,000 इससे फैसिलिटी अलग है। जैसे आप 500 वाली एंट्री लोगे उसमें सिर्फ आपको एंट्री मिलेगी, खाने का कुछ नहीं होगा, आप सीट ऑक्यूपाई कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते नहीं करो, आपके ऊपर है। दूसरा आता है 1500 में आपको क्या मिलेगा, 1500 में आपको मिलेगा लाइक उसमें आप 5 ड्रिंक है, एक स्टार्टर और बस यही था ना। उसके बाद आता है 2500, 3000, 5000, उस पर अनलिमिटेड ड्रिंक, अनलिमिटेड स्नैक्स, अनलिमिटेड फूड, सब कुछ अनलिमिटेड था और उनकी सिटिंग उनका टॉप फ्लोर पे थी, ये था 5000 वाले टॉप फ्लोर पे। इस तरीके से प्राइस डिवाइड कर सकते हो। तो ये भैया का जो जिस होटल में हम लोग रुके थे स्पेशली देखो, जैसे मैंने जैसे मैंने आपको फुटेज दिखाया कि न्यू ईयर बीच पे स्टूडेंट वगैरह जो बिना बुकिंग के आ जाते हैं, उससे होता है कि अगर बुकिंग भी करना चाहोगे ना तो यार न्यू ईयर का टाइम बहुत महंगा रूम होता है, बहुत महंगा। पर इन भैया ने हमें अरेंज करवाया, लाइक फ़ोन हो गए थे भाई की जान पहचानती, रूम की क्वालिटी मतलब अपने रूम टूर तो आप देख ही लिया, पर यहाँ का जो मतलब सर्विस से लेके रहना खाना पीना पानी, इवन ये बीच से हार्डली 300 मीटर 250 मीटर है वॉकिंग डिस्टेंस है, हम लोग अपनी स्कूटी यहीं खड़ी करते थे और वॉक करके चले जाते थे। क्योंकि जो कीटोस लेन है वहाँ से अगर आप जाओगे स्कूटी खड़ी करने में, एक तो आपको पैसा लगेगा, सेकंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है,
तो भैया का अगर कोई आ रहा है मैं डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर दे दूंगा, आराम से बुकिंग करके आ सकते हो। ऑफ सीजन में तो आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा, एक बार भैया डिस्काउंट भी देंगे, दोगे ना भैया? और भैया ने अभी हेल्प भी किया कि आप यहाँ से ट्रेन टिकॉफ ले सकते हो और जो व्यू वगैरह लेना है न्यूयॉर्क का ले सकते हो। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू वेरी मच। चलो, और बाय द वे अगर कोई आता है तो भैया की खुद की वाइन शॉप भी है, तो वहाँ से आपको बेस्ट प्राइस में आपको वाइन मिल जाए, क्योंकि अभी जब हम लोग रेड बुल वगैरह कुछ भी अगर आप ड्रिंक के लिए ले रहे हो बाय द वे, तो वो आपको महंगा चिपकाएंगे न्यूयॉर्क के, पर भैया ने रेट टू रेट वहाँ पे आपको लगाएंगे हर चीज़ का। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। और आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं विश करता हूँ कि आपका जो 2020 हो वो और भी धमाकेदार, और भी शोरदार, और भी ज़्यादा एडवेंचरस, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से भरा। इसी का इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर तो हो ही चुका है, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।